गुजरात टाइटंस को लेकर एक खबर सामने आ रही है कि शुभमन गिल एक बार फिर से जीटी की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। गुजरात टाइटंस के सूत्रों ने जानकारी दी है, शुभमन गिल गुजरात टाइटंस से ही जुड़े रहना चाहते हैं। हार्दिक पांड्या के गुजरात को छोड़ने के बाद शुभमन गिल कप्तान बने और उनकी कप्तानी में गुजरात टाइटंस ज्यादा अच्छा प्रदर्शन बीते सीजन में नहीं कर पाई थी, लेकिन एक बार फिर से शुभमन गिल ही टीम की अगुवाई करेंगे और राशिद खान जैसा सीनियर खिलाड़ी उनके अंडर में खेलेगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि शुभमन गिल खुद गुजरात को लेकर के बहुत ही वो गंभीर हैं और वो चाहते हैं कि एक मजबूत गुजरात की एक टीम बनाई जाए जो आगे चलकर एक बार फिर से आईपीएल टाइटल जीत सके। तो शुभमन गिल फिर से जीटी से हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। गुजरात टाइटंस की ओर से कुछ सीजन से लगातार शुभमन गिल खेल रहे हैं और जो जीटी के सोर्सेज ने एनआई को जानकारी दी, न्यूज एजेंसी को जानकारी दी, उसमें बताया गया कि गिल फिर से 2025 आईपीएल में टीम को लीड करेंगे और राशिद खान उनके अंडर खेलने के लिए तैयार हैं और बहुत सी बड़ी टीमें हैं आईपीएल की जो उन्हें ऑक्शन में देखना चाहती हैं और चाहती हैं कि अगर शुभमन गिल या राशिद खान ऑक्शन में आ जाएंगे तो उन पर बड़ी बम्पर बोली भी लगाई जा सकती है। दोनों ही शानदार खिलाड़ी हैं। अब कप्तान के रूप में शुभमन गिल पिछले सीजन में खास छाप नहीं छोड़ पाए थे और अगर टीम इंडिया उन्हें फ्यूचर का कैप्टन देख रही है तो खुद को भी शुभमन गिल को कैप्टेंसी एबिलिटी दिखानी पड़ेगी और वो कप्तानी की क्षमताएं वो आईपीएल के जरिए ही खुद दिखा सकते हैं। आईपीएल में अगर उन्होंने प्रभावित कर दिया तो ज़रूर वो टीम इंडिया के भविष्य के कप्तान भी बन सकते हैं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में प्रदर्शन किया और उन्हें टीम इंडिया की कप्तानी करने का मौका भी मिला। हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया की कप्तानी करने का मौका मिला कुछ सीरीज में, केएल राहुल ने कई सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी की, शुभमन गिल भी एक सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी होनी बाकी है और शुभमन गिल को इस आईपीएल के जरिए एक बल्लेबाज के रूप में, टी20 फॉर्मेट में एक अच्छे बैटर के रूप में और एक अच्छे कप्तान के रूप में खुद को साबित करना होगा और गुजरात टाइटंस ने उन्हें एक बार फिर से ये मौका देने का फैसला कर लिया है।